देश के अंदर का माहौल चाहे कैसा भी हो, लेकिन सरहदों पर हमेशा गर्मा गर्मी बनी रहती है और अपनी जान को हथेली पर रख हमारे सैनिक हमारी रक्षा के लिए तैनात होते हैं। उन्हें खुद नहीं पता होता कि हमारी जिंदगी कितनी लंबी है, शायद अगले पल हो या ना हो, क्योंकि अक्सर वहाँ खतरा बना रहता है। हाल ही में आतंकियों ने हमला किया था, लेकिन इस बीच राहत भरी खबर आई है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को लगातार दूसरे दिन बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सेना ने कुलगाम के पोम्बे और गोपालपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आतंकियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों में टॉप कमांडर अफाक सिकंदर, शकीर हैदर और इब्राहिम शामिल हैं और एक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने एक गुप्त सूचना मिलने के बाद अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया था। पहले उन्होंने कुलगाम के पोम्बे इलाके में 3 आतंकियों का सफाया कर दिया। सुरक्षा बलों ने सुरक्षा के लिहाज से इस इलाके में आवाजाही पर रोक लगा दी थी और ट्रैफिक को सीमित कर दिया था। इसके अलावा कुलगाम के गोपालपुर इलाके में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ अभी भी जारी है। यहां भी 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। गौरतलब है कि बीते दिनों जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मौत के घाट उतारा था। कश्मीर के IG विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान बताया था कि बीते रविवार को जिस आतंकी ने श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में पुलिस कर्मी पर हमला किया था, उस मुठभेड़ में मार गिराया गया। बता दें कि पुलिस को हैदरपुरा स्थित एक मकान में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके तुरंत बाद पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ संयुक्त अभियान चलाकर आतंकियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए।